अशोक गहलोत ने अपनी चुनावी घोषणा को पूरा करते हुए बेरोजगार युवाओं को भत्ता देना तो शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग इस भत्ते के खातिर गलत रास्ता भी अख्तियार कर रहे हैं। झुंझुनू में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। गहलोत सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन झुंझुनू में हुई एक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि इस भत्ते को पाने के लिए कई ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने पात्रता को दरकिनार करते हुए फर्जी तरीके से खुद को पात्र बनाया और बेरोजगारी भत्ता लिया। झुंझुनू में अब तक सैकड़ों की संख्या में युवा फर्जी तरीके से भत्ता लेते हुए पकड़े गए हैं। जांच में पाया गया है कि कई आवेदकों ने फर्जी तरीके से कह सकते हैं उसको पात्र न होते हुए भी आवेदन करके उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमने जांच में पाया। जिला रोजगार अधिकारी दयानंद यादव के मुताबिक एक छोटे से फायदे के लिए जिले के बेरोजगार युवा गलत रास्ते पर हैं, जिसके चलते उनके करियर को भी खतरा है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी आशार्थी का करियर खराब हो। झुंझुनू की बात करें तो अब तक विभाग सैकड़ों की संख्या में उन युवाओं से 5 लाख रुपए वसूल चुका है जिन्होंने गलत तरीके से योजना का फायदा लिया था। वहीं इतने ही पैसों की और वसूली के लिए लगातार फर्जी बेरोजगार बने युवाओं को फोन और मैसेज के जरिए सूचना दी जा रही है। विभाग ने तय कर लिया है कि फर्जी बेरोजगार बने हर एक शख्स से वसूली की जाएगी। इसमें करीब हमने 5.25 लाख रुपए की वसूली कर ली है। रिकवरी हम निरंतर उनको मैसेज भेजकर फोन से उनको बताते हैं कि आप लोगों ने इस प्रकार भत्ता लिया है, आप कार्यालय में आके जमा कराएं। हम उनको बकायदा रसीद काटते हैं और जो राशि होती है उसे हम राजकोष में जमा कराते हैं। युवा संबल योजना वैसे तो बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए शुरू की गई थी, लेकिन कुछ युवाओं ने इस योजना का फायदा उठाने के लिए गलत तरीके अख्तियार कर लिए। अब कहीं ऐसा न हो कि बेरोजगार युवा फर्जी तरीके से इस योजना का फायदा लेने के चक्कर में अपराधी बन जाएं। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।